और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, एक ओर जहां सीएम योगी तमाम दावे कर रहे हैं क्राइम को कंट्रोल करने के, दूसरी ओर जेल के अंदर ही अपराधी बेखौफ हैं, कैदी बेखौफ हैं, और ये चौथा मामला है यूपी में जब वीडियो वायरल हो रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें चाहे नैनी जेल की बात अभी आपने की, चाहे नैनी जेल हो या फिर बागपत की जेल हो, जिस तरह के बागपत जेल में बजरंगी मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या की गई, तो उसके बाद भी जेल प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े हुए थे। उसके बाद रेल जिले के रायबरेली में इस तरह के कांड हुए थे, उसके बाद जेल के अंदर जिस तरह से वीडियो वायरल हुई, उसके बाद प्रशासन हत्या में, अब जो आखिरी की इस समय की बात की जाए तो उन्नाव जेल में भी इस समय अपराधी जो है वो बाकायदा अपना कार्यालय चला रहे हैं, और जेल के अंदर से पूरा गैंग जो सरगना है वो गैंग चला रहे हैं, क्योंकि चाहे हत्या की बात हो या मर्डर की हो, बाकायदा सुपारी ले रहे हैं, उसके अंदर बाकायदा मैखाना भी चल रहा है, क्योंकि बात की जा रहा है वहां पर, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से वहां पर मैखाना चल रहा है, बाकायदा वहां पर जो वीआईपी हो रेस्टोरेंट की बात हो जो उस तरीके की वहां सुविधा दी जा रही है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जेल प्रशासन की मिलीभगत से पूरा खेल चल रहा है। और कार्रवाई की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जब वीडियो वायरल होता है उसके बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, हालांकि चार विभागीय कार्रवाई की अगर बात की जाए, चार लोगों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए, जो प्रशासन ने पूरी तरह से लिपापोती करने में जुटा, किसी तरह की भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। सवाल यही कि आखिर जिस तरह से वहां पर योगी सरकार के आदेश के बावजूद भी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, और जेल में बाकायदा जो अपराधी है वो योगी सरकार को बाकायदा खुली चुनौती दे रहे हैं, देखने की बात होगी कि जिसके तरह योगी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, आखिरकार ऐसे जेल प्रशासन पर किस तरह की कार्रवाई, क्योंकि कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की पूरी मिले भगत से ये पूरा खेल चल रहा है। कि जो बताया जा रहा है ये वीडियो फरवरी के आसपास बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो वीडियो वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की मिली भगत से ये वीडियो बनाया गया, उसके बाद वायरल किया, क्योंकि सवाल यह है कि जेल के अंदर जब सुई नहीं जा सकती तो इसमें बाकायदा असलाह लहराया जाता है, उसके बाद जो है मोबाइल अंदर ले जाया गया, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन पर एक गंभीर सवाल खड़े होगी। लगातार योगी सरकार सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर है, लगातार ये बात भी कर रही, और हालांकि जो जांच की बात की जाए तो विभागीय जांच में चार लोगों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए, लेकिन उसमें जो प्रशासन ने बताया जो तमंचा है वो फिलहाल मिट्टी का बताया गया, लेकिन सवाल मिट्टी का तमंचा है तो आखिर कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर अपराधी जो है जेल के अंदर से खुलेआम योगी सरकार को किस तरह से चुनौती दे रहे हैं, ये एक बड़े सवाल है जी। साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस और प्रशासन पस्त है और अपराधी मस्त है। जी विपिन जी, बिल्कुल दुर्गेश, साफ तौर से बता दें पुलिस प्रशासन लगातार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर बने हैं, लेकिन जेल की अगर बात की जाए, जेल ये वो जेल है उन्नाव जो सबसे बड़ी जेल कहलाती है, कि उन्नाव जेल में अक्सर बड़े बड़े माफियाओं को यहाँ पर रखा गया था, इसके बाद जो है जेल के अंदर इस तरह के कारनामे होते हैं, कहीं ना कहीं ये जेल प्रशासन की मिलीभगत से सारा खेल हो रहा है, और ये इससे पहले भी कई वीडियो वायरल हो चुकी हैं, उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है, हालांकि वीडियो को वायरल होने के बाद कार्रवाई के आदेश के विवाही भी चल रही है, चार लोगों पर कार्रवाई के आदेश भी किए गए। सवाल ये है कि आखिरकार जिस तरह से जो गुंडे बदमाश है अंदर बाकायदा नशे है, बाकायदा जो वीडियो है असलाह लहराते हुए सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, एक तो बना रहे हैं, उसके बाद सवाल यह है कि जिस तरह से जो योगी सरकार आदेश कर रही है कानून व्यवस्था को लेकर, उसके बाद भी जेल के अंदर से जो माफिया है बाकायदा वो सीधे तौर पर योगी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक किसी तरह भी गंभीर नहीं हो, हालांकि प्रशासन वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया, लेकिन कार्रवाई की बात की जाए उन बेखौफ अपराधियों पर किसी तरह की अभी कोई कार्रवाई नहीं होती, बाकायदा उसी जेल में शिफ्ट है, कहीं ना कहीं ये बड़े गंभीर सवाल है जी। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए विपिन। तो बता